गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार एक न्यू व्लॉग के साथ आज हम लोग लालबर्रा से जा रहे हैं मोर फाटा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, दरगाह है, मेला भरा हुआ है, 5 दिनों का मेला होता है तो मज़ा आने वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मोर फाटा और हमने गाड़ी पार्क किया है, अब जाएंगे मेले के अंदर। चलो बहुत सारा क्राउड आता है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही फेमस दरगाह। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं किसी दरगाह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो पे और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एंट्रेंस चालू होता है मोर फाटे का और थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा पाऊंगा मैं आपको, नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ज्यादा बड़ा वीडियो देखना व्यूवर्स पसंद नहीं करते। तो चलते हैं अभी दरगाह की तरफ और ज़ियारत कर लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे आराम से। तो चप्पल जूते उतार के वज़ू बना लेते हैं और फिर चलेंगे दरगाह की तरफ ज़ियारत के लिए और कुछ भी वहाँ के कैप्चर करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पूरे उसकी टोकरी तैयार हो गई है, अब निकलेंगे दरगाह के लिए। तो ये अभी हम लोग मेन पोर्शन में पहुँच गए हैं, इसके बाद हमें जाना है ऊपर जो कि दिख रही होगी आपको दरगाह। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है, आवाज़ क्लियरली नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ साउंड बहुत तेज बज रहा है। तो अभी हम लोग भी अंदर जा रहे हैं, लाइन लगना पड़ता है जाने के लिए अंदर, काफी भीड़ होती है। अबे साले अभी वापसी होते हैं नीचे की तरफ, ऊपर से हम लोग आ गए हैं मेन दरगाह की, जो काफ़ी अच्छा क्राउड है, 5 दिन का मेला होता है और काफ़ी बड़े एरिया में भरता है। अभी नीचे की तरफ चलते हैं, मैं बता दूं आवाज़ क्लियरली नहीं आएगी, साउंड बहुत तेज है, यहाँ का लाउड है, ताकि व्यू आपको अच्छा खासा दिख जाएगा। मेला तो मेले जैसा ही भरा है, बस लाइटिंग चमक दमक बहुत तेज लगी है यहाँ पे। बताऊँ चीजें सेम होती है मेले में, बस रौनकें और रंगतें बदल जाती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हर जगह मतलब अलग अलग माहौल रहता है, कुछ जगह काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है, नया सा लगता है, कुछ जगह ऐसा लगता है कि मतलब मजा ही नहीं आता है, बट यहाँ का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अगर आप आते हो तो मोर फाटा को विजिट कीजिए, काफी अच्छी जगह है। अब घूमते घूमते कुछ नए चेहरों और नए लोगों से और नए रास्तों से रूबरू करवाता हूँ। लाइट बहुत तेज मार रहा है काफी अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेला तो लग ही नहीं रहा है। ये क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, मार्केट घूम रहा हूँ ऐसा लग रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, काफी बड़ा मार्केट होगा और काफी सारी रौनकें हैं, लाइटिंग तो बहुत ही जबरदस्त की है इन लोगों ने, जो भी डेकोरेशन ये टेंट का ठेका लिया है यहाँ पे।
बड़ा हैरत अंगेज होके लोग देखते हैं, तब हमें थोड़ी सी शर्म आती है। क्या बात है सर, क्या बात है। इस फील्ड में मैं अकेला ही दिख रहा हूँ, अभी तक कोई मिला नहीं है। ये भी हम लोग एकदम मेले के फ्रंट पे घूम रहे हैं, जिसका एरिया भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, लाइटिंग तो इतना कैप्चर कर रहा है कैमरा कि क्या ही बोलो। तो अभी हम लोग निकले हैं चाय की तलाश में बाहर, चाय वाय पीते हैं। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। मूड फ्रेश करते हैं, उसके बाद काफी रात तक के जगना भी है। चालू कैसे होता है ये? तो अभी हम लोगों ने लिया है ये लाइट, इसको उड़ाएंगे थोड़ा सा खाली जगह पे, खाली स्पेस पे जाके। क्या यहाँ पे क्राउड बहुत सारा है तो गड़बड़ हो सकती है, और ग्लो तो बहुत कर रहा है चेहरा, क्योंकि लाइट मैंने बताया था शुरू से ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, और लाइट भी शानदार लगी हुई है। बाकी बने रहिए आप कंटिन्यू ब्लॉग पे। तो अभी अभी हम लोगों ने ये खिलौना लेके आया है, काफ़ी अच्छी नीले कलर की लाइट है, इस पर देख रही होगी, अभी इसको उड़ाते हैं। अभी हम लोग झूले की तरफ है, मतलब इधर पूरे झूले ही लगे हुए हैं चारों तरफ, काफ़ी क्राउड होता है। आपको जैसे कि पता है जिस साइड पे झूले लगते हैं उस साइड पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है, और अभी विजिट करेंगे हम झूलों को। अल्जू बाबा मेरी वीडियो को मत बनाना, बिरयानी काफ़ी। टिकट लेते हैं यहाँ से, हम ले रहे हैं टिकट, और बस टिकट, ये टिकट मिल चुकी है। तो फाइनली टिकट कंफर्म हो गया हमारा, अब निकलेंगे झूले की तरफ। ये हो गया अपन एंटर। हम लोग बैठ गए हैं झूले पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेले आओ और झूला विजिट ना करो तो मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल।
इस सिचुएशन को देखते हुए अभी हम ब्रेक डांस झूले में बैठे हैं। आसपास का व्यू देख सकते हो आप, और झूला झूलने के बाद तो पता है हालत कैसी होती है, तो लेंगे मजे। अबे साले क्या बोला तूने? लेंगे मजे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। क्या रे दिख मंगिया, क्या दिख रहा है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बस की मूर्ति बननी चाहिए अपने सुखे। बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता जोर। चलो भाई चालू हो गया हमारा झूला। अरे भाई पूरा सर घुमा दिया है झूले ने। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। हालत तो खराब हो चुकी है काफी।